चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। वो सवाल क्या है कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज से भी हैं, इस देश की सरकार, चाहे उसको मोदी सरकार कह लीजिए या इस प्रदेश की योगी सरकार कह लीजिए, उनको अर्बन नेक्सलाइट या एंटी नेक्सलाइट नाम दिया जा रहा है जी। तो इस बात को आप कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं कि ये नाम जो दिया जा रहा है वो सही है या गलत है? देखिए, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। एक अधिवक्ता को अपराधी बना दिया गया जी। मतलब मेरा कसूर क्या था कि मैं अपनी बात को गंभीरता से कह रहा था, और क्योंकि लोग मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं तो सुनना पड़ रहा था उन्हें। एक आम आदमी की तो सुनवाई होती नहीं, तो मैं अपनी मेरी बात की सुनवाई हो रही थी, उन्हें लगा कि यार इसकी बात सुनवाई कम, इसकी आवाज को दबाया जाए। तो सही जो बात कर रहे हैं, देखिए कुछ लोग गलत हो सकते हैं, चंद लोगों के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग गलत नहीं है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए सब चीजें की जा रही है। कुछ सरकार तय थोड़ा ही करेगी कि कौन क्या है। आपके पास इंटेलिजेंट अगर एजेंसी है तो प्रूफ भी दीजिए ना। आप ऐसे झूठ में किसी को बंद नहीं कर सकते ना। जैसे आपने 10-10.5 महीने रासुका लगा के रखी, तो आपके पास कोई प्रूफ है तो कीजिए ना। वो प्रूफ है तो कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत हो रहा है जी? अगर ऐसा प्रूफ है तो कोर्ट में मेरी मुकदमे में क्यों नहीं दिया आपने? कोर्ट ने क्यों मुझे बेल दे दी? कोर्ट ने क्यों कहा कि राजनीतिक मामले में फंसा के चंद्रशेखर को जेल में बंद कर रखा है? तो मैं जैसा मेरे साथ हुआ तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गलत किया जा रहा है। अगर इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है, तो ये सरकार का एक तरह से अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, ये व्यक्ति की आजादी पे हमला है जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ना।